हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। मैं नितेश कुमार। आज की इस वीडियो में कक्षा 11 से प्रश्नावली जो आपकी 10.3 है उसका 10वां प्रश्न लेके आए हैं। तो छात्रों, 10वां प्रश्न आपका है कि बिंदुओं 1.3 और 4.1 से जाने वाली रेखा 27/19=0 को समकोण पर प्रतिच्छेद करती है, एच का मान ज्ञात कीजिए। तो छात्रों, यहां माना एक बिंदु, माना बिंदु ए वो आपका है एच को मानती, और बिंदु बी जो आपका है, बिंदु बी वो आपका है 4.1। आपकी रेखा स्टार्ट से है, ये ए है और ये बी है। ए के निर्देशांक आपके हैं एच को मानती, वो बी के जो निर्देशांक है वो 4.1। छात्रों, इस पर एक रेखा स्टार से सी डी समकोण बनाती है, और उस रेखा का समीकरण आपके पास है 7x + 9y = 19। तब उसने ये कहा जो एच है ये उसका हमें मान ज्ञात करना है। तो चूंकि एक बिंदु आपके पास ए ये था, बी ये था, और इनसे रेखा आपकी ए भी जा रही थी, तो रेखा ए भी किया प्रवर्ता रेखा, यानी रेखा ए बी की प्रवर्ता। वो छात्रों एम वन हमने मान ली, ये एक्स वन आपका है, ये वाई वन है, ये एक्स टू है, और ये वाई। तो प्रवर्ता के लिए सूत्र होता है y2 - y1 / x2 -। छात्रों, y2 का मान कितना था? 1, और y1 का मान था आपके पास 3, x2 का मान था 4, और x1 का मान था h। तो कुल मिला के m1 जो आपका होगा, 3 में से 1 करेंगे कम तो ऋण के 2/4 - h। अब जो दूसरी रेखा थी उसका समीकरण क्या है? चूंकि सीधी रेखा का समीकरण था आपका, सीधी रेखा का समीकरण है 7x + 9y = 19। अब हम सीधी रेखा की प्रवणता निकालेंगे। अतः सीधी रेखा की प्रवणता, जब प्रवणता यहाँ से निकालते हैं तो यहाँ से हम करेंगे, ये प्रवणता मैंने m2 मान ली, और प्रवणता के लिए पहले प्रवणता रूप समीकरण बनाएंगे, यानी ऋण 9y बराबर हम लिखेंगे 7 इधर गया तो ऋण के 7x, और ऋण का 19 इधर गया तो ये आपका धन का 19 बना, ऋण 9 का भाग दे दिया तो यहाँ से y बराबर बनेगा ऋण 7/9 ऋण का, और धन 19/9। छात्रों, ऋण से ऋण ये कट गया तो y बराबर आपका बना 7/9x + 19/। इस समीकरण की जो प्रवणता रूप समीकरण आपका y = mx + c होता है, इससे जब तुलना करते हैं तो यहाँ m प्रवणता है, तो यहाँ x के गुणा में क्या है 7/9, तो m2 यानी सीधी रेखा की प्रवणता वो आपकी होगी क्या होगी 7/9। अब यहाँ क्या कह रहा था, ए भी रेखा है और सीधी रेखा है, एक दूसरे को कहाँ प्रतिच्छेद कर रही थी? समकोण। तो हम जानते हैं चूंकि दो रेखाएं खाएं अगर यदि समकोण पर प्रतिच्छेद करें, समकोण पर प्रतिच्छेद करें तो m1 × m2 = -1, यानी दोनों प्रवणताओं का गुणनफल होता है तो कितना होता है ऋण का a। अब छात्रों, एम वन का मान मेरे पास था ऋण 2/4 ऋण एच गुणा, एम टू का मान था 7/9, तो इनका मान किसके बराबर? ऋण 1 के बराबर, ऋण से ऋण खत्म। तो ये बना 7 × 14 अपॉन में बना 9 × 4=36, और 9 × 1=9 ऋण के 9, एच बराबर आपका 1। इनका हमने गुणा यहाँ किया तो ये छात्रों बनेगा 36
माइनस नौ ए बराबर 14। अब यहां से 36 हम इधर ले गए तो बनेगा ऋण के 9h बराबर 14 ऋण 36, तो ऋण के 9h बराबर बना 36 से हम 14 कम करेंगे तो 6 से 4 कम किए 2 और 3 से 1 कम किया तो 2 ऋण का 22, ऋण से ऋण खत्म, h बराबर बनेगा 22 बटे 9। यही h का मान होगा, यही आपका हल है। धन्यवाद।